Assalamu alaikum, dear students. I do hope that you people are fine and enjoying good health. I, Professor Muhammad Noman Faisal, welcome you with that exercise of conjunction and coordination mistakes. So let us start solving that exercise. Practice question में सबसे पहले आपको ये question नजर आ रहा है जी. आप screen pause करके एक बार इस question को थोड़ा सा read कर सकते हैं. Then मैं इसके answer की तरफ direct आ जाऊँगा. तो yes, इसका answer है जी D. देखें अल्फा में बीटा में या चार्ली में क्या इशू है जो हमें डी आंसर जो है वो लेना पड़ रहा है. कहते डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड कंट्री लिविंग इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स एंड द पॉपुलेशन. देखें इससे मीनिंग ऐसे लगेगा कि जैसे डिफरेंस है हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स और हाइट ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे ये आंसर हमें मिल रहा होगा जी. और करें हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स एंड हाइट ऑफ द पॉपुलेशन तो नहीं ना चाहिए, वो चाहिए था साइज ऑफ द पॉपुलेशन. तो ये हमारा डेल्टा वहां था जिसमें साइज ऑफ द पॉपुलेशन भी मौजूद था. सारे बिल्डिंग्स की हाइट होती है और जो पॉपुलेशन होता है उसका साइज होता है, और बाकी तीनों में साइज ऑफ पॉपुलेशन नहीं था. नेक्स्ट इसको भी पॉज करके देखें जी एक बार जी. तो इसका आंसर है डी. तो गौर करें, स्ट्रेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, हैव रिलेशनशिप्स दैट आर स्टेबल एंड बी ईटिंग फूड. अच्छा गौर करें, हुआ क्या, हुआ ये कि इन्फिनिटिव्स कॉमन आ रहे थे. टू एक्सरसाइज, टू हैव, टू कॉमन हो चुका है. टू हैव रिलेशनशिप दैट आर स्टेबल एंड, तो यहां पे तो टू ही रिक्वायर्ड था. जाहिर है ईट फूड आ जाता यहां तो. बीटा में क्या मसला होया कि टू एक्सरसाइज आ गया जी, ठीक हो गया. हैव आ गया, यहाँ कॉमन नहीं लिया गया टू, मतलब टू नहीं आया क्योंकि टू कॉमन आ चुका है. लेकिन यहाँ टू आ गया, यहाँ तो देखो टू सबके साथ लगा लो, टू एक्सरसाइज, टू हैव रिलेशनशिप्स, टू ईट. और अगर टू कॉमन लेना है तो जाहिर है फिर आप टू किसी के साथ भी नहीं लगाओगे, तो यहाँ भी टू नहीं आना चाहिए था. टू एक्सरसाइज, हैव, ईट फूड, कोऑर्डिनेशन मतलब एक जैसे एलिमेंट्स इकट्ठे आने चाहिए थे. तो जब एक सीरीज बन रही है, एक ही तरतीब में आ रही है, ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो सिमिलर एलिमेंट्स होने चाहिए. सी पे आते हैं. स्ट्रेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है. टू हैव स्टेबल रिलेशनशिप्स, वेरी गुड. इन्फिनिटिव चल रहे थे टू मेंटेन, टू हैव, लेकिन आगे एंड के बाद देखो इन्फिनिटिव मौजूद नहीं है, बल्कि हेल्दी डाइट जो कि एक नाउन ग्रुप है वो आया है. और इन्फिनिटिव के साथ एक सीरीज में नाउन ग्रुप का आना जाहिर है कोऑर्डिनेशन को रॉन्ग कर रहा है. तो डेल्टा इज आवर आंसर. आप गौर करें तो आपको मिल क्या रहा है जी, स्ट्रेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन रेगुलर एक्सरसाइज. मतलब क्या क्या मेंटेन नहीं हो सकता है, रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन नहीं हो सकती, स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो सकते, और हेल्दी डाइट मेंटेन नहीं हो सकती. तो गौर करें टू मेंटेन एक तरह से कॉमन है, और बाकी नाउन सीरीज में आए. कौन कौन से नाउन, रेगुलर एक्सरसाइज, स्टेबल रिलेशनशिप्स एंड हेल्दी डाइट, सारे नाउन ग्रुप्स हैं जी. नेक्स्ट आते हैं, सम पीपल वुड रादर नॉट ईट एग्स एट ऑल देन इफ दे कैन ओनली हैव एग वाइट्स. जी पॉज कर लें. यस, तो आंसर इज डी. और डी आंसर आने की भी वजह है, गौर करें, सम पीपल वुड रादर नॉट ईट एग्स एट ऑल देन ईट ओनली एग वाइट्स. गौर कीजिएगा, वुड रादर वगैरह, जब रादर इसका साथ देन के साथ पेयर है तो हम उसके बाद वर्ब लगा रहे हैं, तो देन के बाद भी हमें क्या देना पड़ना था, सहारा फिर वर्ब ही देना पड़ना था ताकि इक्वल आ सके. वुड नॉट ईट एग्स एट ऑल देन ईट ओनली एग वाइट्स. तो नेक्स्ट आते हैं, आपको अल्फा में नजर आ रहा है कि वुड रादर के बाद जो है वो वर्ब है, लेकिन देन के बाद एक पूरी क्लॉज दी हुई है जो कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन है एक वर्ब का या वर्ब ग्रुप का एक नाउन के साथ क्लॉज के साथ. बोली क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब जिसमें आ गया क्लॉज, तो इफ दे कैन सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज है. यहां भी आपको नजर आ रहा है जी कि आपका रादर के बाद एक वर्ब ग्रुप है, लेकिन देन के बाद देखो सम पीपल वुड रादर नॉट ईट, ठीक है जी. अब वुड आ गया है, वुड रादर आ गया है, तो वुड रादर के बाद सेकंड फॉर्म तो नहीं, यानी कि आप एट लगाते फिर, जैसे वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है, वुड रादर के बाद भी ऐसे में देखना पड़ना था. ओके, ये वुड रादर नॉट ईट आ गया,
देन के बाद टू ईट लगा हुआ है, देन के बाद भी हमें ईट ही देना पड़ना है, इन्फिनिटिव उधर बेर इन्फिनिटिव है टू के बगैर है, तो इधर भी बेर इन्फिनिटिव ही आना है, और देन के बाद वैसे भी अगर वर्ब आता है तो बेर इन्फिनिटिव ही होता है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ यू लिव योर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मिलियंस यू हैव। अगेन जो कंपेरिजन, उसमें कोऑर्डिनेशन गलत है। कैसे गलत है कि देन के बाद नाउन है द मिलियंस यू हैव, लेकिन देन से पहले जो क्लॉज है वो पूरी क्लॉज है, हाउ यू लिव योर लाइफ। देखो तो हाउ यू लिव योर लाइफ एक चीज है, एक ग्रुप है। देखो आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन है ना। और हमने कहा था जब कंपैरिजन भी करेंगे, हमने लेक्चर में सीखा, तब भी हम इक्वल एलिमेंट्स को साथ को ही यूज करेंगे। तो हाउ यू लिव योर लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ मेनी मिलियंस यू हैव, तो डी आना है जी। चलिए इसको भी एक बार पॉज कर लें। यस एंड आंसर इज सी। देखें लिस्ट बन रही थी, इन द परेड द बॉय स्काउट्स प्रेजेंटेड द कलर्स, ठीक है जी। क्या हुआ जी, बॉय स्काउट्स प्रेजेंटेड द कलर्स, द बैंड मार्च, दो क्लॉजेज हैं दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बॉय स्काउट्स प्रेजेंटेड द कलर्स, द बैंड मार्च्ड, तो आगे भी एक क्लॉज ही आनी चाहिए लिस्ट में। लिस्ट आपको पता है तीन एलिमेंट्स या उससे ज्यादा लिस्ट बनते, तो लिस्ट के तीसरा एलिमेंट भी मेरे क्लॉज ही होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्लॉज नहीं थी। द मेयर्स राइड, गौर करें, द मेयर्स राइड नहीं द मेयर रोड आना चाहिए। द मेयर्स राइड इन अ कन्वर्टिबल, गाड़ी होती कन्वर्टिबल, तो द मेयर रोड इन अ कन्वर्टिबल। मतलब परेड में तीन चीजें हुई, बॉय स्काउट्स प्रेजेंटेड द कलर्स, द बैंड मार्च्ड एंड द मेयर रोड, मेयर ने सवारी की। जो मेयर्स राइड इन अ कन्वर्टिबल है वो क्लॉज नहीं है। देखो द मेयर्स राइड, मेयर की सवारी, मेयर ने सवारी की, हमारा सब्जेक्ट वर्ब तो नहीं है। द मेयर्स राइड जो है, यहाँ राइड एज अ नाउन यूज हुआ है, तो हमारी पूरी क्लॉज नहीं बन सकी, क्लॉज में तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है। नेक्स्ट, वोट फॉर नमान जी, करें जी मुझे वोट, बिकॉज ही सिंसियर केयरिंग ऑनेस्ट एंड ही सपोर्ट्स यू, रोला यही है जी, गौर करें, ठीक है। ही सिंसियर, ये तो क्लॉज थी, लेकिन जो लिस्ट शुरू हुई है वो ही इज कॉमन ले लिया गया। वो ही इज क्या क्या है, वो ही सिंसियर भी है, केयरिंग भी है, ऑनेस्ट भी है, तो फिर सपोर्टिंग आना चाहिए था सिंपल। एक वो एडजेक्टिव्स आ रहे थे, एडजेक्टिव्स ही लिस्ट में चलने चाहिए थे। ओके जी, अब ये आपके सामने फोर सेंटेंसेस एंड यू आर टू फाइंड द करेक्ट वन। जी पॉज स्क्रीन करके एक बार देख लीजिए कि कौन सा जो है वो करेक्ट है इनमें। यस आंसर इज बी, अमजद वाज कोल्ड, सर उसको ठंड लग रही थी, तो नतीजा निकलेगा ना, रिजल्ट क्या निकला, सो ही पुट ऑन अ कोट, बट और रेंट तो नहीं आना। मारिया ट्राई टू रीड अ नॉवल इन फ्रेंच, बट सो और एंड क्या लगाएंगे जी, पॉज कर लें। यस आंसर इज ए, तो बट इट वाज टू डिफिकल्ट। देखो चीजें ऑपोजिट हुई हैं, उसने रीडिंग की कोशिश की है, पर ये तो नहीं कि रीडिंग उसकी खत्म ही हो गई, कोई नतीजा नहीं निकला, डिफिकल्ट था, लेकिन डिफिकल्ट जा रहा है उससे जरा कंट्रास्ट जा रहा है, रीडिंग की कोशिश हो रही है लेकिन कंट्रास्ट जा रहा है। ये तो नहीं रीडिंग की कोशिश की इसलिए वो डिफिकल्ट था, लेकिन वो डिफिकल्ट था, ये नहीं कि रीडिंग की कोशिश की इसलिए डिफिकल्ट था। चलें जी यहाँ पॉज लगाएं। And yes, answer is C. To get from Vancouver to Victoria, you can fly or you can ride the ferry. देखो ऑप्शन है कि आप जहाज के जरिए भी जा सकते हैं और फेरी भी ले सकते हैं। Means by air or by sea, both options are available. दो ऑप्शन है, choice है, ठीक है जी। या इस तरह करें या उस तरह करें, ये तो नहीं दोनों तरीकों से जाएंगे, दोनों में से किसी एक तरीके से जाएंगे ना, ये तो नहीं जहाज में भी बैठ जाएंगे और फेरी में भी बैठ जाएंगे और बाय वाटर भी जा रहे होंगे जी। नेक्स्ट जी, आई बॉट अ बॉटल ऑफ वाइन, सो और बट एंड, यस एंड वी ड्रैंक इट टुगेदर, के खरीदी और सबने मिलके पी। कोई चॉइस नहीं है, कोई कंट्रास्ट नहीं है, कोई नतीजा नहीं निकला। द वेटर वॉज नॉट वेरी नाइस, एक तरफ काम उल्टा हो गया, नहीं है जी नाइस, दूसरी तरफ फूड बड़ी डिलीशियस है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो कंट्रास्ट सिग्नल आना है। यस आंसर इज सी, बट द फूड वॉज डिलीशियस, वो अच्छा नहीं था, फूड अच्छी थी जी। यहां जरा सोचिए, पॉज कीजिए। यस आंसर इज ए, आई वेंट टू बाय अ रोलिंग स्टोन सीडी, बट द शॉप डिडंट हैव इट। देखो वो खरीदने गया लेकिन काम उल्टा हो गया, कोई नतीजा नहीं निकला, कोई चॉइस नहीं आई, काम कंट्रास्ट हुआ है, खरीदने गया लेकिन दुकान बंद थी जी। जरा इसको देखिए,
यस आंसर इज बी, आमना नीड सम मनी सो शी टुक अ पार्ट टाइम जॉब. देखो पार्ट टाइम जॉब नतीजा है रकम की जरूरत का, रकम की जरूरत थी और रिजल्ट निकला और सो हम रिजल्ट के लिए यूज करते हैं. जी जरा इसे देखिए, जूली हैज अ गिटार, यस एंड शी प्लेज इट रियली वेल. कोई कंट्रास्ट नहीं है, बट लगाए या कोई नतीजा नहीं निकला कि सो लगाए ना, कोई चॉइस है. जी सोचिए एंड यस आंसर इज डी, द कंसर्ट वॉज कैंसल्ड, वो कैंसल हो गया और नतीजा क्या निकला, सो वी वेंट टू अ नाइट क्लब इंस्टेड, हमने फिर कहीं और चले गए, ये नतीजा निकला है बट कंट्रास्ट नहीं हुआ. जाहिर उधर भी काम वो कैंसल हुआ है तो वो गए हैं, अगर स्ट्रोज कॉन्सर्ट जारी रह रहा होता उसके बावजूद भी दूसरी तरफ चले जाते तो वो कंट्रास्ट था. जी सोचिए, यस थिंग्स वर डिफरेंट व्हेन आई वाज यंग, जिस वक्त मैं जवान था तब चीजें मुख्तलिफ थी. जी आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट, देखो मैं ये करता हूं और कॉज क्या है करने की, मुझे पसंद है करना, तो वो कॉज है, आई लाइक इट कॉज है और आई डू इट उसका इफेक्ट है, तो कॉज एंड इफेक्ट के अंडर हो रहा है. यस लेट अस वेट हियर अंटिल द रेन स्टॉप्स, अनलेस नहीं आना. देखिए कोई शर्त नहीं है कि बारिश नहीं होती तो, खत्म नहीं भी होती तो वेट करते रहे, बारिश के खत्म होने तक वेट करें, गौर करें. और मैंने आपको फार्मूला भी दिया था इफ नॉट का, उस इफ नॉट के फार्मूले को भी अप्लाई करके देखें. जी यस आंसर इज सी, यू कैन नॉट बी अ लॉयर अनलेस यू हैव अ लॉ डिग्री. और गौर करें हमें जो है कोई टाइम नहीं है, हमारी एक शर्त है और जब शर्त आ गई तो अनलेस लगाएंगे कि जब तक आपके पास लॉ डिग्री नहीं होगी, हमें इफ का मीनिंग मिल रहा है तो हम सी ही लेंगे, आप लॉयर नहीं बन सकते. दैट वॉज years, यस एंड years अगो. जी नेक्स्ट आते हैं, शी हैज नॉट कैंसल्ड कॉल्ड, जी अनलेस सिंस बट सो, यस सिंस शी लेफ्ट लास्ट वीक, मतलब जब से गई उस वक्त से, सिंस टाइम को शो करता है, जैसे सिंस टू कहते हैं ना, सिंस जनवरी, जनवरी से, तो सिंस शी लेफ्ट लास्ट वीक, जब से पिछले वीक से वो गई है तब से उसने कॉल नहीं की. जी आई सॉ हिम लीविंग एन आवर और टू अगो, वेरी गुड. नेक्स्ट आए जी, दिस इज एन एक्सपेंसिव, महंगा है, महंगा जरा नेगेटिव चीज है लेकिन आगे यूजफुल है, जरा पॉजिटिव चीज है, कंट्रास्ट हो रहा है, बट और ऑल दो में से कोई ना कोई आना है. यस इट इज बट, देखो एक्सपेंसिव है लेकिन यूजफुल है, ठीक है जी. जो ऑल दो होता है ना वो और तरह से खेलता है. देखो ऑल दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, कि अगरचे गरीब है लेकिन दूसरी तरफ हम उसके थोड़ा सा रिवर्स जा रहे हैं, फिर भी ईमानदार, मतलब गरीब से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शायद कुछ चोरी करके किसी तरीके से अपना पैसा कमाने की कोशिश करेगा, कई लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन अगर चाहे वो गरीब है लेकिन ईमानदार की हमें एक प्लेट मिल रही है. लेकिन यहाँ जो है ये एक एक्सपेंसिव, तो अगर देखो यूजफुल होना किसी किताब का जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव होने से उस तरह से बने कि जी ऑल्दो इट इज वेरी यूजफुल बुक, ऑल्दो इट इज वेरी एक्सलेंट बुक, इट इज एक्सपेंसिव. देखो यूजफुल बुक्स मोस्टली अक्सर एक्सपेंसिव ही होती हैं. आप कि जो ज्यादा अच्छी किताबें जिनकी ज्यादा अच्छी रेटिंग्स होती हैं, जाहिर है उनकी कीमत भी उस तरह से डिमांड की वजह से कीमत भी बड़ी होती है. तो हमारा किताब का यूजफुल होना उसको एक्सपेंसिव ना होने को ऑल्दो से कंट्रास्ट नहीं कर रहा, हाँ बट से कंट्रास्ट है कि एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन है तो फायदेमंद ना, यानी कि अगरचे फायदेमंद है फिर भी एक्सपेंसिव है, ये काम नहीं चल रहा. जी नेक्स्ट आते हैं, वी वर गेटिंग टायर्ड सो सिंस व्हेन, सो क्या लगाएंगे, यस इट इज अल्फा, सो वी स्टॉप्ड फॉर अ रेस्ट. डेल्टा में ये जो बट आया हुआ था ना साथ, ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा था कि हमें बट नहीं लगाना. जी ही वॉज एंग्री बट ही हर्ड एंड ही हर्ड सो ही हर्ड व्हेन ही हर्ड, यस व्हेन ही हर्ड. देखो व्हेन क्यों लगाना है, जब उसने सुना कि क्या हुआ तब गुस्सा आया, कि व्हेन ही हर्ड व्हाट हैपेंड ही वाज एंग्री, ये नहीं कि ही वाज एंग्री सो ही हर्ड व्हाट हैपेंड एंड ही हर्ड व्हाट हैपेंड बट ही हर्ड व्हाट हैपेंड, नहीं, जब उसने सुना तब गुस्सा आया.
वॉक क्विकली, यस चॉइस है, या तो तेज चलो या लेट हो जाओगे, तो और आना है, चॉइस है. ही हैड टू रिटायर व्हेन ऑफ इल हेल्थ अनलेस या बिकॉज, यस इट इज बिकॉज, कॉज है आगे, इल हेल्थ कॉज है, रिटायर इसका रिजल्ट है. आई हर्ड अ नॉइस बिकॉज आई टर्न द लाइट एंड और सो 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 देखो नतीजे, शोर सुना, सोया हुआ था, फोन से लाइट चला दी कि ये शोर किस चीज का आ रहा है, तो सो के बाद नतीजा आता होता है, तो वो नतीजा निकला हुआ है. वुड यू लाइक अ कॉफी बट एंड और ऑल दो, यस चॉइस है, कॉफी है चाय में सारे एक ही चीज पसंद की जाएगी, तो और. डू यू नो वेन शी विल अराइव, सो वेन दो बार है और एंड, यस आना तो वेन है. डू यू नो वेन शी विल अराइव या वेन विल शी अराइव, तो वेन शी विल अराइव. याद रखिएगा क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसकी तरतीब को भी सवालिया नहीं होती, वो गैर सवालिया होता है, तो वेन विल शी अराइव नहीं, वेन शी विल अराइव. डू यू नो एक क्वेश्चन है, उसके अंदर एक और क्वेश्चन आ गया, गौर करें तो वो शी विल अराइव आएगा, और ये जो क्वेश्चन वहां का आया ये डू यू नो के लिए आया. सिंस द कार इज ओल्ड इट स्टिल रन फास्ट येट, क्या लगाएंगे जी, although the car is old, अगरचे पुरानी है. अच्छा पुरानी कार से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो तेज दौड़ेगी, हम कहेंगे आज तो दौड़ेगी, इट स्टिल रन्स वेल, तो वो हमारा उससे कंट्रास्ट बन गया गौर कर. तो आल्दो का चूंकि पेयर नहीं बनना था तो येट भी गलत है बेटा जी. अब सोचिए, डू यू नो, डू यू वॉन्ट अ पेन बट एंड और या वेन, यस एंड. देखो पेन एंड अ बिट ऑफ पेपर दोनों कॉम्बिनेशन में आएंगे, चॉइस नहीं है कि पेन या पेपर. देखो पेन का काम और है, पेपर का काम और है, पेन से लिखा जाता है, पेपर पर लिखा जाता है, पेन अकेला काफी नहीं है, पेपर अकेला काफी नहीं है, दे बोथ रिक्वायर्ड इन कॉम्बिनेशन, अ पेन एंड अ बिट ऑफ पेपर. यानी पेन दे दे या पेपर दे दे कि दोनों में से जो भी देंगे जहर है, चॉइस तो होती है कि बेशक पेन या बॉल पेन हो सकती है चॉइस, ठीक है, लेकिन पेन और पेपर में चॉइस नहीं. जी आई वुड लाइक टू गो, सो आई एम टू बिजी, ऑल्दो आई एम टू बिजी, अंटिल या बट, I'm too busy. It's but. अब आप कहेंगे although क्यों नहीं? देखो although तब आना था, but में rejection हो गई है. मैं जाना चाहता था, I would like to go, लेकिन busy हो तो rejection हो गई. जाना तो चाहता था, लेकिन busy. Although I am too busy, हम जब लगा देते हैं, अगर मैं भी लेता तो इसका मतलब मैं फिर भी जाऊंगा, अगरचे मैं busy हूँ बहुत, मैं फिर भी जाऊंगा, तो इधर होना था, I will surely go, I will go, I will go although I am too busy. I would like to go, मैं जाना चाहता था, would देखो पास की तरफ denomination. Next, जी, she will die when the doctor operates, unless, unless and yes, unless. तो she will die unless the doctors operate. अग, तो देखो वो शर्त ही है ना, अगर डॉक्टर ने जल्दी ना किया तो वो मर जाएगी, तो unless के साथ चूंकि दोबारा नोट नहीं आता तो चार्ली गलत है. जी ये पास पेपर से भी है. The children had bloomed while they stay on the farm. The children had bloomed during on while. क्या लगाना चाहेंगे जी? Yes, it is during. देखो during show करता है किसी duration को, कि जितना अरसा वो farm पर रहे, एक देहाती इलाका में रहे, तो वो काफी खिल गए, काफी परवान चढ़े. तो while जो है वो तब लगाते होते हैं जब एक काम जारी हो, continuity हो, कि while he was playing, while he was sleeping, तो while नहीं आ रहा जी. Hardly she had entered the station when the train had left. When the train left, ये अब हमें फैसला करना है. ये सोचिए. Yes, answer is C. देखें. Hardly had she entered the station when had the train left. ये सब past perfect नहीं आएगा क्योंकि ये ज़ारे पहले complete नहीं. तो when the train left, ये देखो पहले से complete नहीं है, past perfect नहीं है, past indefinite लगाया. और यहाँ क्या मसला है? Hardly she had left entered. देखें हार्डली जुमले के शुरू में आया था, इन्वर्जन होनी चाहिए थी, मतलब हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए था. और इसमें भी गौर करें कि द ट्रेन हैड लेफ्ट आ गया है, इधर ट्रेन पहले से नहीं जा चुकी थी कि हम ट्रेन हैड लेफ्ट लगाएं जी. एंड द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर. अब एंड नहीं, एज द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, जूं जूं आता गया माउंटेन बुलंद से बुलंद होती गई जी. ठीक है, आपके सामने पहले लगा आ गया, ये आना था रादर लगाए लाइक अ जाइगेंटिक इंक्रीजिंग, रादर लाइक अ स्नोबॉल, दैट व्हाट, नहीं कोई सवाल नहीं पूछ रहे, दैट जो हमारा इधर जो था वो रिलेटिव प्रोनाउन होना था, स्नोबॉल, कौन सा स्नोबॉल, दैट नॉट ओनली गेट्स बिगर एज इट रोल्स बट गोज
फास्टर एज वेल और बट का एज वेल, और ऑल्सो दोनों से पेयर बनता है, ठीक है। डू यू थिंक दिस इज समथिंग हु कैन बी लर्न, या ना था दैट कैन बी लर्न। देखो हु है वो पर्संस या लार्ज साइज एनिमल्स के साथ आता है, इसके साथ नहीं आना था, समथिंग के साथ। लूसी इज द डिवा, डिवा भी होती है जो मलका है, मौसीकी होती है उसको हम कहते हैं, जो म्यूजिक में बहुत बड़ा नाम रखती है। ज़ाहिर है एक लिविंग बींग की बात कर रहे हैं, तो विच नॉन लिविंग या स्मॉलर एनिमल्स के साथ आता है, ह्यूमंस के साथ तो बिल्कुल नहीं आ सकता, तो यहाँ हु चाहिए था। अच्छा, ये चूंकि परफॉर्मेंस है तो हुज आना चाहिए था, बल्कि हुज परफॉर्मेंस। हेयर वीट एंड अदर ग्रेन्स एज वेल एज ऑलिव्स एंड अदर फ्रूट्स वर रेज्ड बाय अ पीजेंट्री, पीजेंट्री किसानों, पीजेंट्री किसानों को कहते हैं। तो पीजेंट्री हु वर्क्ड, नॉट विच, विच नॉन लिविंग या स्मॉलर एनिमल्स के साथ होता है। यस, यहाँ क्या आना था, दो में गलती है। देखो दो आता है कंट्रास्ट के लिए, कंट्रास्ट तो हुआ ही नहीं, दोनों तरफ एक जैसी बात है। पहले वो क्या करता था, वो नो इंटरेस्ट वट एवर इन बुक्स और स्टडी, तो बुक्स और स्टडी में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था, नेगेटिव चीज है। डिवोटेड हिज अटेंशन टू फिशिंग एंड मेकिंग स्केचेस ऑफ कंपेनियंस, ये भी नेगेटिव चीज है। सारा काम मछलियां पकड़ता था, दोस्तों के खाके बनाता था, पढ़ाई तो फिर नहीं हो रही, उधर भी पढ़ाई नहीं हो रही, उधर भी पढ़ाई नहीं हो रही, तो कंट्रास्ट हुआ नहीं, तो एक जैसी चीजें हुई, तो इधर एंड आना चाहिए था, दो नहीं आना चाहिए था। जी आई थिंक आई नो वेयर ही लेफ्ट द जॉब, वेयर नहीं, वेन ही लेफ्ट द जॉब, मुझे मेरा ख्याल है, मुझे पता है कि वो जॉब कब छोड़ के गया। वेन, डू नॉट गो आउटसाइड वाइल यू हैव फिनिश योर वर्क, ना अनलेस यू हैव फिनिश योर वर्क, जब तक अपना काम खत्म। देखो मैंने वाइल कहा था, जब कॉन्टिन्यूटी, कोई काम जारी हो, वाइल आई वाज स्लीपिंग, वाइल ही वाज प्लेइंग, वाइल ही वाज स्टडिंग, वाइल उस काम के लिए होता है, वो है फिनिश, तो काम के कंप्लीट होने को शो करता है। तो अनलेस यू, शर्त है जब तक ये काम पूरा ना हो जाए बाहर नहीं निकलना। मेक श्योर यू क्लोज ऑल द विंडोज फार इट स्टार्ट्स, फार इट है बिकॉज का मीनिंग हम देते हैं। मेक श्योर ऑल यू क्लोज ऑल द विंडोज बिफोर इट स्टार्ट्स टू रेन, देखो बारिश शुरू होने से पहले, ये तो नहीं हम कह सकते कि यकीन दहानी कर लो कि सारी खिड़कियां बंद कर लो, क्योंकि बारिश शुरू होनी, इट स्टार्ट्स टू रेन, क्योंकि ये बारिश शुरू होती है ना, बारिश शुरू होने से पहले आपको लगाना है, फॉर तो रिक्वायर्ड ही नहीं है यहाँ, बिकॉज का तो मीनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच जी, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन क्वेश्चन मी थ्रू एनी सोर्स डायरेक्टली, here in comments, through WhatsApp, wherever you want, you can ask me questions and those would always be welcomed and answered. Thank you very much.